बेबी पाजी ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे अस्मा इसी बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होती है कि बेबी पाजी उसके बारे में क्या सोचती होंगी कि मैंने उनसे झूठ बोलना शुरू कर दिया है। अस्मा जब इसी सोच में गुम होती है तो बेबी पाजी उसके पास आकर कहती है, वैसे अस्मा मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम भी अज़रा की तरह मुझसे बातें छुपाना शुरू कर दोगी। अगर फरहत उस दिन तुम लोगों के साथ डिनर करने के लिए गई थी तो तुम्हें ये बात मुझे बता देनी चाहिए थी। अज़रा की मुझसे ये बात जाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मुझे तुम पर सबसे ज्यादा यकीन है। अस्मा रोना शुरू कर देती है, मेरी बात का यकीन करें, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन वासफ ने मुझे मना कर दिया। अच्छा, इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि आइंदा के बाद कोई भी ऐसी बात हो तो तुम मुझे बता दिया करो। दूसरी तरफ अज़रा जमाल से कहती है, बड़ी बी ने अपने बेटे के लिए जो लड़की पसंद की है ना, उसे तो मैं पहली ही नजर में पहचान गई थी कि वो कितनी चलाक और मक्का लड़की है। अभी वो इस घर में आई भी नहीं और उसने वासफ को मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ कर लिया है। देखा नहीं किस तरह सब घर वालों से छुपकर वो डिनर करने के लिए वासफ के साथ चली गई थी। जरा बर भी ख्याल नहीं किया कि शरीफ घरानों की लड़कियां इस तरह कभी भी शादी होने से पहले लड़के के साथ इस तरह घूमती नहीं, लेकिन वो कहाँ सुनती है किसी की। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।